करीना कपूर खान ने अपनी प्रेगनेंसी के अनुभवों पर आधारित करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक के शीर्षक में बाइबल शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए जबलपुर के एक वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईसाई समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। हाईकोर्ट ने क्या किया, याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने करीना कपूर पुस्तक के प्रकाशक और अमेजोन इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विवाद क्यों, ईसाई समुदाय का कहना है कि बाइबल शब्द उनके लिए पवित्र है और इसका इस्तेमाल किसी भी सांसारिक विषय विशेष रूप से गर्भावस्था जैसे विषय के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि ये शीर्षक उनके धर्म का अपमान करता है। अब क्या होगा, करीना कपूर और अन्य प्रतिवादियों को हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा। ये तय होगा कि शीर्षक में बदलाव किया जाएगा या पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा या नहीं। ये मामला महत्वपूर्ण क्यों है, ये मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन की बहस को जन्म देता है। ये सोशल मीडिया और पब्लिकेशंस में धार्मिक शब्दों के इस्तेमाल के बारे में भी सवाल उठाता है। अतिरिक्त जानकारी, याचिकाकर्ता का तर्क है कि करीना कपूर ने प्रसिद्धि हासिल करने के लिए बाइबल शब्द का इस्तेमाल किया। पुस्तक प्रकाशित होने के 2 साल बाद ये विवाद सामने आया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में त्वरित सुनवाई का आदेश दिया है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये मामला अभी भी अदालत में है और अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।